और सब गाइस आई होप कि सारे का सारे मजे में होंगे एंड उम्मीद करता हूँ सबके साथ खैरियत से भी होंगे और एकदम खुश होंगे, खुश खुशहाल होंगे। अब मैं आता हूँ किसी का भाई किसी की जान, जो ट्रेलर आया सलमान खान का। अब देखो मैं स्पेशली आपको मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। देखो सलमान भाई की मूवीज के ट्रेलर जब जब आते और खास करके मूवीज जब आने वाली होती है ना, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ मेरे को एक्साइटमेंट तो होता है, बट हमको ये भी पता होता है कि भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई वो मूवी नल्ला ही निकलेगी। अभी देखो यार, अब किसी का भाई किसी की जान का जब ट्रेलर भी आता है और मूवी आती है तो उसके अंदर एक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, बट वो एक्शन के नाम पे कॉमेडी ज्यादा लगती है और सलमान भाई को देख के हंसना ज्यादा आता है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, अब किसी का भाई किसी की जान अभी ये मूवी के ट्रेलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मेरे को दो चीज पता चल गई। पहली बात तो ये कि सलमान भाई बेकार में ही इतना जवान देखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सलमान भाई जैसे है वैसे दिखो ना। अब देखो सलमान भाई के वो जो नकली बाल है, देखो ये नकली है, सलमान भाई ने असली बाल अभी तक उगा ही नहीं है, तो भाई सलमान भाई के जो नकली बाल है वो यार थोड़े से बड़े रखो यार, इतने बड़े करने की क्या जरूरत पड़ी मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरे को जो लुक है ना सलमान भाई का, इतने बड़े बाल वाला जो लुक, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ सलमान भाई यार, चलो माना कि आजकल रॉकी भाई का ट्रेंड चल रहा है, पठान का ट्रेंड चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे भी ज्यादा लंबे बाल कर लोगे तो आप सबसे ज्यादा आप ही अच्छे लगने लगोगे। अरे यार लॉन्ग हेयर रखो, बट यार थोड़ा सा इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है यार, इतना मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। आप देखो स्पेशली आप सलमान भाई के वो लुक्स, अरे यार मजाक नहीं कर रहा, मेरे को हंसना आ रहा है, बिकॉज यार बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और उसके बाद आप देखो दूसरे लुक्स आते हैं जहां पर सलमान खान वो अपने पुराने वाले भाई जो अंदाज होता है, जहां पर हमको वो एक था टाइगर में देखने को मिले, तो उसके बाद वो लुक में भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी टू से वो उसके अंदर भी आप देखो सलमान भाई का जो फेस है वहां पर इतना VFX किया, इतना VFX किया, इतना VFX किया, ऐसा लग रहा है कि नाला सुपारा में से किसी नकली सलमान खान को उचक के लाके एक्टिंग करवा रहे हैं ये लोग, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। एंड उसके बाद मैं आता हूं डायलॉग्स के ऊपर। देखो डायलॉग्स ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं मेरे को एक भी डायलॉग्स कुछ ऐसा लगा नहीं जो कि इंटरेस्टिंग सा हो। और पूजा हेगड़े क्या कर रही है भाई 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 भाई, और सलमान भाई पता नहीं कौन से डायलॉग्स कहां पे मशहूर है, और वो क्या था कि भाई 400 साल पुराना है और वो बोलता है कि अच्छा सॉरी और मुझे लगा नया, ये सब क्या, ये क्या डायलॉग्स बना रहे हो यार, इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हो या फिर मूवी बना रहे हो, सॉरी यार आपने इंस्टाग्राम के जो जितने भी टिकटॉक है उनको पूरी पूरा मूवी में भर दिया, तो सारा डायलॉग्स भी छपरी लिखोगे ना आप लोग। एनीवेज यार अब देखो बात करते एक्शन की। अब वो एक्शन में मेरे को कसम से एक बात समझ में नहीं आएगा, देखो आज से 5-6 साल पहले आप चले जाओगे ना तो साउथ वाले एक टाइप का एक्शन बनाते थे कि यहां से मार दो वहां उड़ रहा है, वहां से मार रहे वो वहां उड़ रहा है, ऐसा साउथ में एक्शन होता था। बट पिछले 3-4 सालों में ना साउथ की मूवीज में भी एक्शन है ना थोड़ा सा ऐसा आने लगा है कि हमको एटलीस्ट लॉजिकल लगता है और रियलिस्टिक लगता है और हमको मजा भी आता है और पब्लिक पैसा भी लुटा रही है। बट बॉलीवुड पिछले 25-30 साल पहले मतलब पीछे चला गया। अब देखो सलमान खान की मूवी के अंदर कुछ एक्शन सीन आप देखो, वो जो ट्रेन वाले सीन है, अरे यार कितनी बार सलमान भाई ने ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंसेस किए यार, मेरे को वांटेड याद आता है यार, कितनी बार हम वो ट्रेन वाले सीक्वेंसेस देखेंगे यार, हर बार वो आप गुंडे मतलब आपको ट्रेन में ही मिलते, कहीं और गुंडे नहीं मिलते क्या। और एक सीन आता है जहां पर वो भाई वो पता नहीं वो क्या वो टेंपल जैसा पता नहीं क्या पूरा के पूरा बना हुआ है, सलमान भाई मुक्का मारते पूरे के पूरा नीचे गिर जाता है। अरे यार ये क्या मतलब कागज का या पुठे का बना है वो, के यार ऐसे मारोगे गिरा देगा, भाई एक्शन दिखा रहा थोड़ा सा लॉजिकल दिखाओ यार। अब देखो स्टार कास्ट की बात करें तो सलमान भाई और टिकटॉकर स्टार से पूजा हेगड़े है, उसके बाद जगपति बाबू जो कि एक मेरे को बहुत पसंद है वो बंदा, बट अब देखना पड़ेगा कि भाई जगपति बाबू का यूज कैसा किया है। देखने में तो लग रहा है कि भाई चलो यूज अच्छा किया है, थोड़ा सा मास टाइप का एक्शन वैक्शन वगैरह होगा, एक्टिंग तो बंदा अच्छी करता है, बट आई डोंट नो स्टोरी क्या होगी, देखते क्या होता है। अब ये परिवार का झगड़ा होगा इसके अंदर देखने को मिलता है, सलमान भाई पूजा हेगड़े के भाई की मदद करेंगे और क्या करेंगे, वायलेंस करेंगे, अब ये सब तो हमको मूवी में देखने को मिलेगा। बट सॉरी टू से मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, एक्शन की बात करें, सलमान खान के लुक्स की बात करें और पूजा हेगड़े और सलमान खान की जोड़ी की बात करें, मेरे को इसमें कसम से कुछ भी मजा नहीं आया। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मेरे को खान बहुत पसंद आई, लाइक इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी 14 चीजें बनाओ अगर हमको पसंद आ जाएगा। एंड ट्रेलर कसम से मेरे को बहुत ही यार उल्टी आ रही थी जब मैं सलमान भाई को देख रहा था, यार जैसे वो वैसे दिखो ना यार, नकली बाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नकली मुंह पे VFX लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इसके अलावा अगर आप अपने नेचुरल लुक्स में आते ना तो मैं मजाक नहीं करता और बेहतरीन ट्रेलर रख सकता था। एनीवेज आप बताओ यार आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।